देखिए, प्रार्थना कई तरह की है, लेकिन हम जो आपको प्रार्थना बता रहे हैं, जो ये वंदना बता रहे हैं, आप करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन 101% पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अब ये करना कब है, ये विधि को जाने आप बहुत अच्छे तरह से जाने और आप इसे रोज किया करें। अब ये करना कब है, ये करना है ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में इसका अनंत गुना लाभ होने वाला, इसका अनंत गुना लाभ होगा, 101% आपको फायदा ही होगा। अब क्या करना है, देखिए, प्रार्थना आपने कई प्रकार की सुनी है, लेकिन ये सबसे उत्तम किस्म की प्रार्थना है जो आप करें। अधिकांश जो लोग होते हैं वे स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं अच्छी जॉब लग जाऊं, अच्छा रोजगार मिल जाए, अच्छा कर्म मिल जाए, अच्छी कार मिल जाए मुझको, है ना। तो आप स्वयं केवल स्वयं के लिए मांगते, लेकिन आप मांगे केवल स्वयं, देखिए वाणी आपको दी, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आप स्वयं के लिए नहीं, आप सबके लिए भी मांग सकते हैं कि हम हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। हम जहाँ हम आ जाता ना, जहाँ सारे लोग आ जाते हैं, यानी ब्रह्मांड पे जितने भी जीव जगत है सब आ जाते हैं। अब देखिए, जो प्रभु से प्रार्थना करें कि आप जब उठते हैं सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठ जाएं, हाथ मुंह धो के बैठे, बैठने के उपरांत आप प्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि प्रभु आपने निवेदन करते हुए उनको धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे उचित समय पर उठा दिया सर्वप्रथम तो, और ये जो समय है ये आपका ही है, जो परमात्मा का सबसे उत्तम समय बताया गया है। एक तरह से आपको जानने का ये बहुत ही उत्तम समय है। इस समय में उठाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसके उपरांत आपको प्रभु से ये कहना है कि हे प्रभु, आपने ये मुझे जो शरीर दिया है, वो भी मानव शरीर, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, क्योंकि ये शरीर किसी भी जीव को नहीं मिलता है, किसी भी जीव को बहुत मुश्किल से मिलता है। जो प्राणी है, जो आत्मा है, उसको बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ योनि है, मानव योनि बहुत दुर्लभ है, क्योंकि काफ़ी लंबे चक्र के बाद ये मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद ही मिलती है, बहुत ही लंबे समय बाद मिलती है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि नहीं, इतनी सहज नहीं मिलती। ये काफ़ी आपके पापों का भुगतान करने के उपरांत फिर प्रभु की कृपा दृष्टि होती तब आपको मिलती है। फिर इसके बाद क्या, देखिए, इसके बाद आप कहें कि प्रभु ये जो समय है, इस समय का मैं पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकूँ, इस ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकूँ, मेरा चित्त और केवल आप में ही लगा रहे, आपके नाम सुमरण में, आपके मंत्र जाप में, आपके ध्यान में, और कहीं नहीं, इतनी मुझे शक्ति प्रदान कर, और हम सभी जीवों का ऐसा कल्याण करें कि हमारी जो बुद्धि है सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही रहे, और हमारा कल्याण हो हमेशा के लिए हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई कार्य कर दो प्रभु। देखिए, यहाँ पर इस शब्द का मतलब हो गया कि हमेशा के लिए कल्याण करना, कि हमेशा के लिए उसकी और आपकी दृष्टि एक तरफ, एक दूसरे की तरफ हो जाना, यानी आपका ध्यान, ना तो आपका ध्यान भटकेगा ना प्रभु का ध्यान, एक दूसरे का चित्त जुड़ा और प्रभु में आप विलीन हो गए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बनानी है कि परमेश्वर आप सभी जीवों को सद्गति दे, सद्बुद्धि प्रदान करे, और इस संसार में सुख शांति बनाए रखे, प्राकृतिक आपदाओं से हम सभी जीवों को बचाए, और जो इतनी भयंकर त्रासदी हो रही है इस जीव जगत में, उससे इन सब जीवों की रक्षा करे, और हमारा जो कल्याण का मार्ग है उसे आप प्रशस्त करने की कोशिश करें, ताकि आपकी कृपा पाकर हम उस मार्ग तक पहुंच सकें। इस प्रकार से आप कामना करें, और हमेशा हमेशा ये वाणी आपको बोलनी अपने मुख के द्वारा। ध्यान रखें, जो जो जीव स्वयं के लिए नहीं सभी के लिए मांगता हो वो सबसे उत्तम है प्राणी है, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ बताया गया है, ये नहीं मिलता, देवताओं को भी आसान नहीं है, क्योंकि उनको अमृत मिला हुआ है कि आप अब इस योनि में नहीं आ सकते, और हमें
तो ये योनि मिल रखी है, इसका मतलब ये है कि भगवान ने बहुत बड़ा उपहार दिया उस तक पहुंचने के लिए, कुछ ना कुछ मार्ग बना दिया एक तरह से। आपको जीवन मिल गया, इसका मतलब ये है कि आप विशिष्ट कृपा रही है आप पर, बहुत ही विशिष्ट कृपा। अब करना क्या है, केवल उस परमपिता को पाना है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए निरंतरता से रोज ये प्रार्थना करें और समय समय पर प्रभु को धन्यवाद देना सीख जाए। आज से ही ये कड़ा नियम बना ले कि प्रभु को इस संसार में कमी नहीं निकालनी, सर्वप्रथम कमी बिल्कुल भी नहीं, ना तो किसी जीव में निकालनी है और ना कि इस संसार में जुड़ी हुई किसी चीज के अंदर कोई कमी निकालनी। देखिए प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि का निर्माण कर दिया, सृष्टि के अंदर ही भूभाग आता है अर्थात पृथ्वी मंडल आता है। तो पृथ्वी मंडल भी जाहिर सी बात है परमात्मा ने ही बनाई होगी, तो उस चीज का आप अनादर करते हैं एक तरह से, कि अगर आप उसकी बुराई कर देते हैं, किसी चीज पर लांछन लगा देते, तेरे में ये वो नहीं, आप भले कटु वचन सुन ले मगर बोले कभी ना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि कटु वचन सुने लेकिन बोले कभी ना। इसके उपरांत ऐसी कामना रखते हुए धीरे 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 आप निरंतर प्रभु का नाम सुमरण मंत्र जाप जो ध्यान इत्यादि आप करते हैं उस चीज में लग जाए, है ना। फिर आपका समय होने के बाद जो भी आप कार्य करना चाहे वो करते रहें, मगर हमेशा नियम बना के रखें कि ये प्रार्थना आपको रोज रेगुलर बोलनी है, रेगुलर हमेशा जब भी। और ऐसी कामना करें वंदना कि प्रभु ये इस समय पर ही मेरी आंखें खुल जाए, ऐसी मुझ पर कृपा बनाए रखें कि मुझे नींद बहुत आती है लेकिन मेरी नींद खुल जाए इस समय, इतनी कृपा मुझे करे ताकि मैं आपका ध्यान नाम स्मरण इत्यादि कर सकूं। बिल ये कृपा हम पर बनाए रखे और इस जीव जगत का कल्याण करे संपूर्ण रूप से। तो ये देखिए ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास जल्दी पहुंच जाती, क्योंकि देखिए जब एक आदमी एक ही इंसान को लेकर चलता है तो कहाँ पर भीड़ में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन एक आदमी लाखों की भीड़ को लेकर चलता है तो वो सबकी नजरों में आ जाता है कि हमारा जो लीडर है एक तरह से ये है। तो उसी प्रकार आप लाखों की भलाई मांगे, करोड़ों की भलाई मांगे, है ना, किसी एक की नहीं सबकी भलाई, बुद्धि आए, सबको सद्बुद्धि मिले, सबके भीतर सद्विचार का उद्गम हो, सबको सदमार्ग मिले, तो ऐसी कामनाएं करते रहे। ये देखिए साधु पर्वती की वाणी होती है जो आपको अपनानी पड़ेगी, है ना, इससे आपका सब भी तरह से कल्याण होगा। तो प्रभु आपके जीवन में इतने बदलाव कर देगा कुछ क्षण में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, परमात्मा की विशिष्ट कृपा आप पे रहेगी। देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।